हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्थल। अभी हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो है ये पेपर 3 में कवर अप होता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। पहले तो हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उसको हम देख लेंगे। कभी कभी क्या है, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट में देता है एंड कभी कभी ईस्ट टू वेस्ट में अरेंजमेंट में देता है। पहले तो देखेंगे दिस इज द अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, हियर द आसाम। ओके, तो यहाँ पे साइड में देखेंगे तो सिक्किम है। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर द UPSC, IAS, PCS, SSC के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजियन अभी रिसेंटली जो कि एक अपडेट दिया है रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड का स्कीम के ऊपर। ये जो सेटअप हुआ है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड जो है बाय द नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके साथ साथ और कौन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, द नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड स्कीम जो कि लॉन्च हुआ था 2017 में सितंबर में। ये जो है फर्स्ट डेडिकेटेड वेंचर है जो कि कैपिटल फंडिंग है, ठीक है, फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। ये जो वेंचर कैपिटल है ये फॉर्म ऑफ द प्राइवेट इक्विटी है एंड अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग है जो कि इन्वेस्टर जो है प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट आर बिलीव्ड टू हैव द लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। वेंचर कैपिटल जनरली कम्स फ्रॉम द वेल ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका जो कैपिटल है ये 100 करोड़ से कैपिटल कमिटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ना कंट्रीब्यूट टू द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जो कि जो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनका डेवलपमेंट के लिए ये फंड प्रोवाइड करता है फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एंड अचीव द अट्रैक्टिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय द वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द प्राइवेटली निगोशिएटेड। फंड का जो टारगेट है टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप, स्टार्टअप मीन्स एक न्यू बिजनेस जो स्टार्ट करना है, ठीक है, एंड यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कि कौन सा सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, सेग्रीगेशन ऑफ द सर्विसेज, IT एंड AIDS। रेंज ऑफ फंड जो है जो कि इन्वेस्टर है, ठीक है, उनको जो मिलेगा इस स्कीम के तहत 25 लाख से लेकर 10 करोड़ तक फॉर द वेंचर, विच इज इसका जो है लॉन्ग टर्म रहेगा, जो कि इन्वेस्टर होरिजन रहेगा 4 to 5 years तक। ये तो था नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड के बारे में एंड अदर इनिशिएटिव जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए उसके बारे में भी देखेंगे। पहला है नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये भी एक जो कि प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट में जो कि डेवलपमेंट करने के लिए। इसको देखेंगे तो ये 2012 में जो कि लॉन्च हुआ था नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ये जो है वर्ल्ड बैंक का जो है एडेड है मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंडर आता है एंड इसी प्रोजेक्ट के तहत जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है 11 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट में जो कि 4 स्टेट में, जो कि मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। तो उनका जो लाइवलीहुड जो है, ठीक है, रूरल लाइवलीहुड उनको इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली दैट द वोमेन, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ द मोस्ट डिसएडवांटेजेस इन द 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है NELRP जो है नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जो है कौन सा स्टेट में अप्लीकेबल है, एक तो हो गया मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। देन हम देखेंगे नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2020 डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या है ना, इस
प्रोवाइड किया गया है ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। देन हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे STINER। STINER का जो है एम जो है क्या है ना, रिलेवेंट टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप्ड एंड रिलेवेंट है किसको, ना बाय द एकेडमिक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड आर्टिसंस एंड द फार्मर्स स्पेशली वोमेन। देन हम देखेंगे NERPSIP मीन्स नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। स्कीम जो है इनिशियली अप्रूव्ड हुआ था December 2014 में। ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। इसका जो मेन एम है क्या है, ना रिलायबल पावर ग्रिड एंड इम्प्रूव द नॉर्थ ईस्ट रीजन जो कि स्टेटस, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेट में जो कि पावर ग्रिड एंड पावर सप्लाई को रिलायबल करना एंड कनेक्टिविटी टू द अपकमिंग लोड सेंटर्स एंड दोस्त एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड टू द पावर टू द ऑल द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स बेनिफिशियरीज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।